The Helka India News. Please like and share and don't forget to subscribe. वडनगर नगर पालिका सभागृह में प्रशासन विभागीय अधिकारी डॉक्टर योगेश भरसट द्वारा नगरीय और ग्रामीण गौशाला संचालक और ग्राम पंचायत सचिव की बैठक ली। इसमें पशु मालिकों को अपने मवेशियों को सड़क पर आवारा न छोड़ने के लिए कहा गया। चेतावनी दी गई है कि पशु सड़क पर देखें तो पालकों पर कार्रवाई की जाएगी। जिसके पास मवेशी बांधने हेतु जगह नहीं है वो अपने मवेशी गौशाला में भेजें। बैठक में गौशाला प्रबंधन समिति बनाने का निर्णय लिया गया। इस समिति में नगर पालिका सीएमओ बड़नगर में नगर की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत सीईओ को इस समिति में रखा गया। इससे आवारा रूप से घूम रहे मवेशियों पर अंकुश लगेगा और जो आवारा मवेशी के कारण हो रहे हादसे हैं उन पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। तहलका इंडिया न्यूज के लिए नेटवर्क हेड महेश सोनगिरा की रिपोर्ट। देखिए, इस संबंध में काफ़ी समय से हम लोग विचार विमर्श कर रहे थे कि इस समस्या से कैसे निजात पाई जाए, और इस संबंध में हमारे प्रशासक महोदय डॉक्टर भट्ट आईएएस अधिकारी हैं, उनका हमको मार्गदर्शन मिला है। और इस संबंध में हमारे प्रशासक महोदय द्वारा सभी गौशाला संचालकों की एक बार मीटिंग भी बुलाई, हमने पशु मालिकों को भी बुलाया था लेकिन वो आ नहीं पाए हैं चर्चा के लिए। कल भी हमारी इस संबंध में एक बैठक हुई थी एसडीएम महोदय की, जो हमारे प्रशासक थे उनकी अध्यक्षता में एक निर्णय लिया गया है कि यहाँ से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जो गौशालाएँ हैं वहाँ पर हम आवारा पशुओं को भेजेंगे उनकी क्षमता के हिसाब से, ताकि उस गौशाला पे भी अनावश्यक पशु ज़्यादा हों, ऐसा वजन भी नहीं पड़े उनके ऊपर कि जितनी उनकी क्षमता है उस हिसाब से 20-25 पशु देने का निर्णय लिया है कि यहाँ से पकड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में छोड़ देंगे। और इस संबंध में पशु छोड़े जाने के जब गौशाला में जमा हो जाते हैं, जब उनको रिलीज करने के लिए अगर कोई व्यक्ति आवेदन देता है तो उसके लिए एसडीएम महोदय ने एक समिति भी बनाई है जिसके वे स्वयं अध्यक्ष हैं। और नगरी क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका बड़नगर को उसका सचिव, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीओ जनपद को उसका सचिव बनाया है, तथा तहसीलदार महोदय जो हैं वो उसके सदस्य रहेंगे। ये चार जनों की समिति मिलकर निर्णय लेगी कि पशु छोड़े जाना है अथवा नहीं। और इस संबंध में अभी तक जो कुछ हमारे पास शिकायतें आवारा पशुओं में कुत्तों की भी आई थी, यही विगत दिनों ही हमारे द्वारा काफ़ी कुत्ते पकड़वा के और बाहरी क्षेत्रों में छोड़े गए। शीघ्र ही नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ हम लोग पशु पकड़ के और गौशालाओं में भेजना शुरू करेंगे। और इस संबंध में हमारे प्रशासक महोदय तो काफ़ी इस संबंध में चिंतित हैं। कलेक्टर महोदय द्वारा भी पूरे ज़िले में आवारा पशुओं पर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं। तो हम 30 तारीख के बाद, बोले तो आज के बाद 1 तारीख से, हम इस पर सतत दंडात्मक कार्रवाई एसडीएम महोदय के माध्यम से करवाएंगे।